الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون أن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي وما أنت أعلم به مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد आदद खल़ वरीद नफसिक वजीनातः आरशिख़ वमीदाद कलिमातिक ज़ल् महमदन सल्लास महतरम नाजरिन अल्लामक वरह वक्त प्रोग्राम रहमान की रहमत में आप तमाम देखने वालों को सुनने वालों को दिल की अतः गहराइयों से खुश आमदीद है अल्लाह पाक से दुआ है अल्ला करीम आप सबको हम सबको बल्कि पूरी उम्मत को खैर वरकत अमन वमान वाली ज़िंदगी बंदगी वाली ज़िंदगी जिस्मानी, रूहानी सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अल्लाह हम सबको अत फ़रमायें और जो कुछ आज हम सुने या सुनाएँ अल्लाह पाक हम सबको अमल की तोफ़ी अता फ़रमायें आमीन याबल आजमीन नाजरीन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हज़रत मुफ्ती सैफुल्ल सा साहब रफिज़ाल भी तशी फरमाएं इन शाम मुझसे भी मुस्तफ़ी होंगे तो आज जो दुआ है यूँ तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाजरीन सारी की सारी दुआएं बड़ी जामें होती हैं और हर दुआ अपने अंदर जिस तरीके से समंदर कूजे में बंद जो कहा जाता है उसी के मुतरदफ़ होता है हर दुआ लेकिन बाज़ दुआएं हमारी हालत के मुताबिक होती हैं इसलिए उन दुआओं की अहमियत बड़ी बढ़ जाती है और साथ साथ मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करता चलूँ जिन लोगों ने इस शव्वाल के महीने में छो छः रोज़े रखे होंगे या रख लिए होंगे अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह पाक उन तमाम भाइयों के बहनों के रोज़ों को कबूल फ़रमाए जिन्होंने शवाल के महीने के छः रोज़े रख कर अपने आप को सायमुद्दहर बनाने का और सायमुद्दहर के का के बने हैं यानी अल्लाह के नबी व ने फरमाया कि जिस शख्स ने रमदान के बाद छः रोज़े रखे तो फरमाया काना का सियाम दहर तो गोया कि उसने पूरे साल रोज़े रखे तो ये बहुत बड़ी सदत है अल्लाह करीम में हम सब की तमाम निकियों को इबादत को कबूल मंजूर फ़रमाए जिन लोगों ने रोज़े रखे हैं अल्लाह करीम उनके रोज़ों को भी कबूल फ़रमाए और इन आमाल के ज़रिए अल्लाह हम सब के अंदर इस्लामी और ईमानी रूहानी इन अमाल को हमारी अच्छी तब्दीली का बा असल तो मकसद नाज्रीन तब्दीली है रोज़े का मकसद बतलाया गया परहेज़गारी है परहेज़गारी ज़ाहिर तब्दीली का नाम है कि इंसान मासीत की ज़िंदगी से नाफ़रमानी की ज़िंदगी से अल्लाह पाक की बंदगी वाली ज़िंदगी एतात वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक की खुशनुदी वाली ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे तो ये बड़ी कामयाबी और मैंने गुजत दर्स में अर्ज़ किया था कि ने लिखा है कि अगर पहचानना चाहते हो जानना चाहते हो कि तुम्हारे रमज़ान वाले आमाल कबूल हुए कि नहीं तो उसका बहुत आसान तरीक़ा है कि रमज़ान के बाद वाली ज़िंदगी में अगर कोई अच्छी तब्दीली आई है ईमानी और इस्लामी अच्छी कोई तब्दीली आई है तो तुम्हारे लिए बड़ी खुशखबरी है तुम खुश हो जाओ कि अल्लाह पाक ने तुम्हारी निकियों को कबूल फ़रमा लिया लेकिन अगर ख़ुदा न खास्त रमजान के बाद वाली ज़िंदगी वही बैक टू नॉर्मल ज़िंदगी है वही नमाज में सुस्ती वहीमाल साल के हवाले से गफलत और वही अकबर फ्रॉड वही सूदी कारोबार वही बेअबी वही दिल आज़ारी तो जाहिर है कि यह कोई अच्छी खबर नहीं है इंसान को अपने अमाल पर नज़रसानी करना चाहिए नजर आज की दुआ के अल्फाज ये हैं कि अल्लाह मगफरली व जहली व इसराफ़ी फ़ी अमरी व मा अन तलम भी मनी कि अल्ला माँ फरमा दीजिए मेरी ख़ाओं को ख़ा हकी यानी मेरी ख़ाओं को माँ फरमा दीजिए व जहली वेरी नादानी को व इसराफी फ़ी अमरी और मेरे कामों में जो ज़्यादती हो जाती है उस ज़्यादि को भी माफ़ फरमा दीजिए वमा अंत आलमी मिन्नी और अ मेरे परवरदिगार उन तमाम बातों को जो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं जितना मैं अपने गुनाहों को जानता हूँ अपनी बदामालीयों को जानता हूँ अपनी मासीत को जानता हूँ अपनी नादानियों को जानता हूँ जित जो कुछ मैं जानता हूँ या जितना उससे कहीं ज़्यादा आप जानते हैं आपका इल्म कामिल है आपकी हमत कामिल है तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे उन तमाम गुनाहों को माफ फरमाइए जिस जो आपके इल्म में है जिसे मैं नहीं जानता कभी कभी अनजाने में भी इंसान से गुनाह हो जाता है तो नाजरी देखें बज़ाहिर ये अल्फा बड़े मुख्तसर से और अबू मसाशरी रजी अल्लाह तन फरमाते हैं कि रहमत आलम सल्हल्म यह दुआ पढ़काना यदो रसूल सल्लम यह दुआ पढ़ा करते थे और इस इन दुआओं के ज़रिए अल्लाह पाक से खताओं की माफ़ी बख्शिश मांगा करते थे आप अगर गौर करें कि इन दुआओं के अंदर क्या मांगा जा रहा है अल्लाह पाक से बख्शिश और मगफ़रत का इससे बेहतर उसलूब क्या हो सकता है आप देखें कि इस दुआ में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज़ यानी इससे बेहतर उसलूब इससे बेहतर अंदाज, इस 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 अंदाज मगफ़रत मांगने का बख्शिश मांगने का हो ही नहीं सकता क्या हैं कि अल्लाह गुनाह जिस शक्ल में भी मुझसे सरजद हुआ खता जिस शक्ल में भी जिस सूरत में भी जिस अंदाज से भी यानी खताओं की जितनी शक्लें हो सकती हैं मासीत की जितनी शकलें हो सकती हैं खता की नादानी की ज़्यादाति की जितनी भी शक्लें हो सकती हैं सूरत हो सकती हैं या अल्लाह मैं उन तमाम ख़ाओं की किस्मों से ख़ाओं की शक्लों से और फिर फरमाया आखिर में कि वह महानताम भी मनी वो खताएँ भी वो ख़ा भी वो ग़लतियाँ भी वो नादानी भी जो मेरे इलम में नहीं है लेकिन आपके इलम में है आप अलीन बजात सदूर भी हैं तो यह अल्लाह उन तमाम खताओं को भी माफ़ फरमा जो खताएँ मेरे इलम में नहीं हैं आपके इलम में नासन अब ये समझें कि ये दुआ करने वाला कौन है उनकी हस्ती उनकी ज़ात गिरामी के बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ये मुख्तर कि अल्लाह के बाद अल्लाह करीम के बाद अल्लाह रबुलमीन के बाद सबसे बड़ा मकाम अगर किसी का है सबसे बड़ा रुतबा अगर किसी का है सबसे बड़ी हस्ती अगर किसी की है, हैामा ने लिखा है हमारे कहते हैं कि देखें रसोल्ला व्लम की शान बस यूँ समझ लो कि जिस तरीक़े से अल्लाह पाक की ता अपनी मबूदियत में अपनी अलूहत में अपनी रबूबियत में वह दूल शरीक है इसी तरीक़े से रहमत आलम सल्ला वल्लम अपनी रबूदियत में, 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 में अपनी बशरीत में अपनी अब्दियत में अपनी इबादत में अपने कमाल में वह दहूलाशरीक है रहमत आलम सल्लम जैसा अब्द बशर इंसान कोई हो ही नहीं सकता तो बस यूँ समझ तो आप देखें कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरीके से नाजरीन तमाम अम्बेम व सलाम हर किस्म के गुनाह से मासूम होते हैं तभी तो वो सारी अपनी अपने लोगों के लिए अपनी कौम के लिए रहबर बन के आते हैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारी कायनात के नबी हैं रहमत आलमीन हैं जितने भी आलम हैं कायनात के अंदर हर आलम के अंदर जो अफराद हैं सबके नबी हैं तो हमारा तो यकीन है हमारा अकीदा है कि रहमत आलम सल्ला वल्लम मासूम है दीगर हम्ब आल सलाम की फिर ये दुआ का क्या माना मतलब आप अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांग रहे हैं बख्शिश मांग रहे हैं नादानी के अंदर जो खतः हुई हैं आमदी तौर पर जो खताएँ हुई हैं और जो नादानी के आमाल हुए हैं इसी तरीके से वो मा, मासीत वो गुनाह जो जिसका जो, जो हमारे इल्म में न हो तो आप एक, एक लफ्ज़ पर अगर गौर करें नाजरीन तो शायद आपको अंदाज़ा भी ना हो कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ये जो दुआएं मांग रहे हैं ना ये हमारे और आपके लिए कि हमें पता चले कि अल्लाह पाक से हमें कैसे दुआ मांगनी चाहिए किस अंदाज़ से दुआ मांगनी चाहिए तो अल्लाह करे कि ये दुआएं जो अरबी में हैं और सबसे बड़ी देखें इसकी बात अहमियत और फज़ीलत की बात यह है कि ये जो दुआएं हैं रहमत आलम अलैहि वसल्लम कि जबानी नबूत से निकले हुए नूरानी अल्फ़ाज़ जो हैं अगर हम इन दुआओं को बेसमझी भी पढ़ेंगे ना नाजरीन ना तब भी नफा से खाली नहीं कोशिश तो करनी चाहिए कि दुआओं के जो अल्फ़ाज़ हैं उनके मानी भी मफहूम भी हमारे जहनों में हों ताकि हमारी कैफियत भी जिस तो हो जिस वक्त हम दुआ मांग रहें तो इनशाला इस मौजू पर मज़दीद बात होगी हज़रत मुफ्ती साहब को मैं शामिल करता हूँ हज़र से भी इन शुआओं के हवाले से हम मुस्फ़ी होते हैं जी हज़र अल्लाम बहुत बहुत शुक्रिया आपने इन्वाइट किया बड़ी अहम दुआ नबी करीम अलैहि वसल्लम की जैसा कि पहले भी बारहा बताया गया है और बताना है चाहिए कि नबी करीम वसल्लम को एक खसूसियत की अता की गई कि मुख्तसर कलमत में आप सल्हुस ने मानी के समंदर को जमा फरमा दिया है और उसका बहुत ज़्यादा इजहार और पता चलता है आदमी को जब नबी करीम वसल्लम की मांगी हुई दुआएं आदमी जब पढ़ता है और करता है तो पता चलता है कि कितने इनके अंदर ज़ामिय़त है बेशक जैसा कि इस दुआ के अंदर भी है कि अल्लाह मेरी ख़ताओं को माफ फरमा दे मेरे जाहल नादाने को माफ़ फरमा दे मेरे हद से बढ़ने को अपने मामले में उसको माफ़ फरमा दे और तू मुझसे ज़्यादा जानता है जाम तरीन दुआ है और अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि मुआफ़ी का ताल्लुक़ या का ताल्लुक ये गुनाह ही से है का ताल्लुक अबदीत से है जो आदमी अब्दीत के अंदर जैसा कि आपने अभी फ़रमाया कि जैसे अल्लाह की ज़ात मबूद होने में वहदा उला शरीक है इसी तरह नबी करीम अलैहि वसल्लम जैसा अबदीत में कमाल शख्सियत कोई और नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अबीयत का इजहार फरमाया है वो भी बेमिसाल है बेश तो एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर ये तालीम दी जैसा कि पहले भी हमारे प्रोग्राम के अंदर ये बताया गया कि जब भी इस्तेफार किया जाता है तो वहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं एक ये होती है कि अल्लाह ताला नाराजगी को ख़त्म करके राज़ी हो जाए दूसरा ये है कि उसकी स... जो हमारी गुनाहों की या हमारे ख़ताओं की जो सज़ा है वो ख़त्म हो जाए और तीसरा ये है कि अल्लाह की तरफ से हमें अजर और बदला दिया जाए तो चुनाचे इसतफार के अंदर बख्शिश के अंदर जिसको उर्दू के अंदर कहा जाता है बख्शिश देना अता करना ये इस्तफार के अंदर पाया जाता है तो नबी करीम अलैहि वसल्लम ने यह तालीम दी कि अगरचे तुम गुनागार नहीं हो कोई गुनाह किसी का ना हो तब भी वो इस्फ़ार को मांगता रहे और इस्तार करता रहे अल्लाह की से बख्शिश मांगता रहे खुद आप की जात के जो मासूम भी है और अब्दियत में कमाल भी है और हर तरफ हर वक्त अल्लाह की तरफ से रहनुमाई भी है और प्रोटेक्शन भी है सारी चीज़ें होने के बावजूद आप अलैहि वसल्लम अल्लाह uh, ताला से इस्तफार कर रहे हैं बख्शिश मांग रहे हैं तो गोया के ये तालीम दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इसफ़ार का ताल्लुक सिर्फ़ गुनाहगार से नहीं है बल्कि परहेजगार से भी है से जो आदमी अल्लाह के जितना ज़्यादा करीब होगा वो इतना ही ज़्यादा अल्लाह की आज़मत और बड़ाई का उसके अंदर इसतज़ार होगा तोज्जो होगी और अल्लाह से डरता रहेगा तो नबी करीम अलैहि वसल्लम से पूछा गया अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इसतफ़ार की तालीम दी तो आपने फरमाया कि मैं भी इसतार करता हूँ दिन में सत्तर मरतबा सत्तर। और फरमाया कि सत्तर मरतबा भी कसरत के लिए बहुत ज़्यादा जैसे खुद ही इस दुआ के बारे में आपने बताया कि नबी करीम सल्हलम इस दुआ को पढ़ा करते थे किया करते थे मांगा करते थे तो आप सल्ह वम की आदत मुबारक थी तो ये एक तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बख्शिश मांगना सिखाया है और दूसरा एक और दुआओं के अंदर गौर किया जाए तो ये बात समझ में आती है कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर इसतफ़ार को सिखाया है और बतलाया वहाँ पर उसकी डिटेल को काफ़ी बताया है ये भी एक अलैहि वसल्लम का अंदाज़ है ताकि किसी किस्म का गुनागार वो बख्शिश से और मफरत से और इस्तिग़फ़ार से महरूम बा... ना रह जाए, जाए। बिल्कुल जैसे कलामुल्लाह शरीफ के अंदर फरमाया ला ततु मर रहा इन यग़फ़िरु यजुनूब जमिया अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है जो आदमी जिस गुनाह के अंदर मुबतला हो सिद के दिल के साथ सच्चे दिल के साथ जब वो अल्लाह के सामने माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाता है वही तीन चीज़ें कि उससे माफ़ फरमा कर उससे जो नाराज़गी होती है वो ख़त्म कर देता है उसकी सज़ा को ख़त्म कर देता है और फिर बख्शिश और अपनी रज़ा और अजर और बदला और इनाम भी अता करता है तो इसी तरह नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इस दुआ मुबारक के अंदर भी फरमाया कि अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ फरमा अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम के तौर पर तो खुद ये इस तरफ भी इशारा फरमा दिया कि चाहे गुना हो या ना हो अल्लाह से बख्शिश मांगो जब ख़ुद मांग रहे हैं बार बार मांग रहे हैं दिन में सत्तर मरतबा से ज़्यादा मांग रहे हैं एक तो ये तालीम थी और दूसरा गुनागारों को ये तालीम दी कि जब तुम अल्लाह से बख्शिश मांगो तो जितनी गुनाह की अनवाह हो सकती हैं किस्में हो सकती हैं और उसके बाद फिर आदमी कहे कि बारी ताला मैं तो गुनागार हूँ और इतना कमज़ोर हूँ कि गुनाह करके मुझे, मुझे यादी तो पता याद ही नहीं रहता पता भी नहीं होता और बाज़ात जो है ना वो उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं जाता तू बेहतर जानता उन सब गुनाहों को माफ तो पहला जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस गुनाह से बख्शिश के बारे में ख़तिया ख़तिया कहते हैं गुना को जैसा कि हदीस के अंदर फरमायाकुम ख़ता वखैर अत कि तुम सारे के सारे गुनागार हो तो ख़ता से मुराद ये है खतिया और खत, खतियात और खता से मुराद ये गुनागार तो जितना गुनाह की किस्में हैं चाहे छोटी हैं या बड़ी हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आ गई उसके बाद अगला जो लेवल है टॉप लेवल है जाल जहालत बारी ताला मेरी जहालत जिहा, को नादानी को माफ़ फरमा तो ये उससे टॉप लेवल है एक जिदालत का माना यह होता है नावाकफियत तो नावाकफियत तो कोई बात नहीं है किसी चीज के बारे में आदमी नहीं जानता तो उसको जान लेता है बाद में एक, एक ही है जिहालत जहालत जो है वो कला शरीफ के अंदर फरमाया आरिजानिल जाहिलीन जाहिलों से एराज, एराज कीजिए तो जहालत उस गुनाह को कहते हैं वो गुनागार होता है और वो बागी होता है जो जान बूझ कर गुना करता है यही वजह है कि जमाने जाहिलियत के अंदर जो गुनाह किए जाते थे वो गुनाह बतोर फख्र के किए जाते थे, थे। लिहाजा उस ज़माने को ये नहीं कहा गया कि यह गुनाह का ज़माना है या जो है वो बदकारी का ज़माना है या कत्लों के ताल का ज़माना है बल्कि ज़मान जाहलीत तो मतलब यह है कि जहालत वो वाली इंतहाई ख़तरनाक सूरत है तो ये दूसरी सूरत और तीसरी सूरत यह है कि इसराफ का मतलब है हद से बढ़ जाना और यह हद से बढ़ जाना वो है कि आदमी एक तो यह गुनाह करे दूसरा यह कि जानबूझकर करे और तीसरा यह कि लिमिट ही क्रॉस कर दे और जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर अल्लाह का अजाब आता है जितने भी पुरानी अकवाम उमा माजिया का कुरान के अंदर तजकरा आया है उनके बारे में यही बयान किया गया कि वो हद से बढ़ने वाले जब हद से बढ़ते थे तो अल्लाह का आजाब आता था तो ये बड़ा बहुत बड़ा गुनाह है कि हद से आदमी बढ़ जाए फिर उसके बाद नबी करीम तालीम दी कि गुनाहार लोग अपने गुनाहों को किस तरह जो है वो काउंट करेंगे और कितना बस ये कह दो कि आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं मैं कितना गुनागार हूँ मेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दें और जो नाराज़गी है उसको ख़त्म फरमा दें जो सज़ा है उसको ख़त्म फरमा दें और अपनी तरफ़ से बख्शिश और इनायत इनायतर में अल्लाह ताला हम इस दुआ को मेरे आप के लिए सब नाजरीन और सामीन के हक़ हाँ में मकबूल और मंजूर फरम जजाक बहुत बहुत <laughs> शुक्रिया मुफ्ती साहब जजाकमल्ला नाजरन इस दुआ के हवाले से एक और बात है ने लिखा है कि रहमत आम सल्लम की जितनी दुआएँ आप देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें उसके अंदर है। एक चीज़ जो बहुत नुमाया है बहुत कॉमन है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं इतहाई आजजी में डूबी हुई इंतहाई इनकसारी में आजजी में तोज़ों में जिस तरीके से कहते हैं ना कि किसी से आदमी कुछ मांग रहा हो ना तो बिल्कुल से जो है ना बिलक बिलक के मांगे मचल के मांगे जैसे बच्चे मचल मचल के कोई जिद पूरी करवानी होती है माँ बाप से तो बच्चा आप देखेंगे कि उसे कोई टोए ख़रीदना हो आजकल गेम और फ़ोन का दौर है फ़ोन लेना हो माँ बाप के हाथों से कैसे मचल मचल के मांग रहे होते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी दुआएं पूरे ज़खीरे अहदीस दुआओं दुआ आप ज़ख़ीरा उठाएं एक एक दुआ को देखें तो ऐसा लग रहा आपको महसूस होगा अगर अल्लाह ज़ौक़ हमें दें तो तो महसूस आप करेंगे कि रामत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक से ऐसे मांगते हैं अल्फाज भी वैसे अंदाज़ भी ऐसा कि जैसे कोई बच्चा मचल मचल के किसी से वालदे से माँग रहा होता है इंतहाई दर्जे की आजिज़ी इंतसारी फरोतनी और अल्लाह अकबर तोज़ो मतवाज़े हो कि उसकी वजह भी ने लिखा है असल में वजह उसकी ये है कि जो हस्ती जितना ज़्यादा अल्लाह पाक की मार्फत से अजमत से वाकफ़ होगी उसकी दुआ में इतनी ज़्यादा इनके सारी यानी वो अपने आप को अल्लाह पाक की अज़मत के सामने बुजुर्गी के सामने बड़ाई के सामने अपने आप को इंतहा दर्जे का आजिज़ पाएगा कमज़ोर पाएगा ज़यफ़ पाएगा नातवा पाएगा इंतहा दर्जे का अपने आप को छोटा पाएगा अपने आप को बेबस पाएगा बेकस पाएगा मोहताज पाएगा महकूम पाएगा इंतहा दर्जे का अपने आप को कमज़ोर पाएगा अब ज़ाहिर कि रसूल सल्ला वसल्लम से ज़्यादा अल्लाह की अल्लाह पाक की मारफ़त रखने वाला कौन हो सकता है अल्लाह पाक की अजमत को जानने वाला अल्लाह पाक की अजमत को समझने वाला अल्लाह पाक की बड़ाई और बुजुर्गी को समझने वाला कौन हो सकता है ज़ाहिर कोई नहीं हो सकता आप इमामबियाँ हैं आप सदुलबर हैं तो यही वजह है कि रहमत आलम सल व् अल्लाह पाक की खातिर ख़्वाज़मत को समझते थे सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक की बढ़ाई को समझने वाले थे बुज़ुर्गी को समझने वाले थे इसलिए जब रहमत आलम सल्ला वम जब दुआ करते हैं और जब दुआ करते थे दुआई अल्फ़ाज़ आप देखें तो हर लफ्ज़ इंतहाई दर्जे का जजी इनके सारी वाला अब ये दुआ देखें ना अल्लाह मखफी अबी मुफ्ती साहब ने बड़े अच्छे अंदाज़ में तश्री की कि ख़ा किसे कहते हैं और ख़ा का तल्लुक़ इसफ़ार का तल्ल जो है सिर्फ गुनाहार सी नहीं है कि अगर कोई शख्स इस्तफार कर रहा हो तो इसका मतलब यही नहीं होता कि वो गुनाहगार होगा इसका यही मतलब नहीं बल्कि इस्तफार का ताल्लुक अब्दियत से है जो जितना ज़्यादा आबिद होगा जितना बड़ा मारफत रखने वाला होगा ज़ाहिर है कि जहरिक अल्लाह पाक से इस्तार करेगा ज़ाहिर अम्बी आलम तो सलाम जो इस्तफार किया करते थे इसलिए नहीं कि वो नाउज़ बिल्ल माजल्ला गुनागार थे नहीं तो वो या इस्तार का ताल्लुक अब्दीयत से मारफत से तो इस दुआ के अंदर एक तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजयी इनकिस का पता चलता है दूसरी चीज़ जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं के ज़रिए उम्मत को बताना चाहते हैं तो वो ये कि देखो मासीत गुनाह नाफरमानी ख़ता ये ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें अल्लाह पाक से दूर कर देती हैं इसलिए कभी भी किसी मासीत को किसी ख़ता को किसी नाफरमानी को किसी भी हुक्म अदूली को अल्लाह पाक के हुक्म के तोड़ने को मामूली और छोटा ना समझना आज देखें कितना बड़ा अलमिया है हम सब का कि हम सब एक अल्लाह को मानने वाले आज अल्लाह की एक भी मानने को तैयार नहीं अल्लाह को तो एक मानने मानने को तैयार रहते हैं लेकिन अल्लाह की मानने को हम तैयार नहीं इल्ला माशा इल्ला माशा कि अल्लाह को आज एक मानने वाले अल्लाह पाक की एक मानने को तैयार नहीं तो रहमत आलम अलैहि वसल्लम ये बताना चाहते हैं कि देखो अल्लाह पाक की नाफरमानी चाहे कितनी ही छोटी मामूली तुम समझ रहे हो जिसको वो मामूली नहीं है क्या पता तुम्हें उसी पर अल्लाह पाक की पकड़ हो जाए क्या पता उसी गुनाह पर उसी ख़ता पर अल्लाह पाक का गैज़ नाजिल हो जाए अल्लाह पाक के गैज़ के तुम मस्त बन जाओ इसलिए गुनाह की जितनी भी किस्में आज यही होता है ना कोई गुना हम कर रहे होते हैं हम कहते हैं ये कोई कबीरा गुना थोड़ा ही मिसाल के तौर पर दाढ़ी अब लोग दाढ़ी ये सोच के नहीं रखते हैं कि कोई फ़र्ज़ थोड़ा ही ना है कोई वाजिब थोड़ा ही ना है कुरान में आया लोग पूछते हैं कुरान में है कुरान में है इस तरीके से बेशुमार खवीन सर पर दुपट्टा नहीं लेती हमारी अब फिर तावीलात करती हैं जस्टिफाई करती हैं कुरान में है हालांकि कुरान में पर्दी क्या मौजूद है हमारे यहाँ जुल्म, जुल्म ये है नाजरीन कि एक तो हम गुनाह करते हैं फिर उस गुनाह को जस्टिफाई करना चाहते हैं उसके लिए दलाइल ढूँढते हैं ये लाएल है, जुल्म है। ये बगावत है अल्लाह पाक से तो रहमत आलम सल्ला वल् ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह के बंदो खता खता है खता खता है गुना गुना है उससे बचो चूँकि सारी नाकामी नामुरादी की बुनियाद और की है अल्लाह की नाफरमानी सारी मुसीबतों की जड़ महरूमियों की जड़ बेसकूनी की जड़ अल्लाह पाक की ना मुख्तर सा ब्रेक है इनशाला ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं इस दुआ के हवाले से इनशाला मजीद हम गुफ्तगु करेंगे असलकुम वक बिसमीम अल्ला मख्ली خطيئتي جهلي وإصرافي في أمري وما أن تعلم به مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم محترم ناظرین و سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائیوں کو بہنوں کو خوش آمدید ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم سنے مقصد عمل ہونا چاہیے اللہ کریم مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ناظرین یہ پروگرام دعاوں کی حوالے سے ہوتا ہے और कोशिश हम करते हैं कि कुरान करीम की कोई दुआ या रहमत आलम अलैहि वसल्लम की ज़बानी नबू से निकली कोई दुआ आपकी ख़िदमत में हम पेश करें उस दुआ के हवाले से कुछ तशरी उस, उसका मफहम तर्जुमा हम सुने सुनाए और ज़ाहिर का मकसद क्या है कि उस दुआ को मैं भी पढ़ने वाला बन जाऊँ आप भी पढ़ने वाले बन जाएँ बल्कि हम सब मांगने वाले बन मुफ्ती शफ़ी साहब रहमत लाने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि देखो अल्ला पाक ने दुआ मांगने का हुक्म दिया है सिर्फ पढ़ने का नहीं यकीन पढ़ना भी ज़रूरी है दुआ स्क्रीन पर आप देख लें कि अल्लाह मखसरली ख़ियति ए मेरे अल्लाह मेरी खतिया खतिया को ख़ती ख़ता कहते हैं गुनाह को मासीत को अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ रखा व जहली और मेरी नादानी को भी माफ़ फरमा व इसराफी फ़ीमरी और मेरी ज्यादा को किसी अमल में किसी काम में कोई ज़्यादी हो जाए हद से तजावुज़ हो जाए उसी भी माफ़ फरमा आखिर में इंतहा यह है कि वह माँ अनता ही मिलने अल्लाह बस मुझे ख़ुद याद भी नहीं रहता हम गुनहगार लोग कमज़ोर लोगन में अब तो क़वत हाफजा बिल्कुल हमारा कमज़ोर हो चुका है तो ये अल्लाह जो अनजाने में जो ख़ती खता हमसे सरजद हुई हो हमें मालूम भी मेरे इलम में भी ना हो या आप उन्हें भी माफ़ फरमा तो मैंने अभी अर्ज़ किया हज़रत मुफ्ती साहब ने भी फरमाया कि इससे प्यारा इससे ज़्यादा जामे उसलूब नहीं हो सकता कि एक बंदे ने अल्लाह के सामने उस सारी कस्में पेश कर दी कि अल्लाह खताओं की जितनी भी किस्में हो सकती हैं खती ख़ा की और नादानी दानी की नावाफियत की आपका आपके आपकी हुकुमी की जितनी भी किस्में हो सकती हैं और इंतहा यह कि अल्लाह बहुत से वो हुक्मली वो नाफरमानियाँ जो मेरे मुझे याद नहीं है लेकिन आपको याद है आपके लिए मैं सब माफ़ फरमा तो मैंने अभी अर्ज़ किया था नाजरीन कि रमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की हम पर बड़े एहसानात हैं इस उम्मत पर पूरी कायनत पर एहसानात एक एहसान ये है कि रामत आलम अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ करने का सलीक़ा सिखाया है अल्लाह पाक से मांगने का सलीक़ा सिखाया है और दुआ में बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ और करता रहता हूँ कि देखें दुआ का कोई फ़ायदा हो सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि दुआ माँगने वाला अल्लाह पाक के रबते में आ जाता है उसे अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल होता है अल्लाह पाक की यारी या दोस्ती नसीब होती अल्लाह पाक से शनासाई उसे हो जाती अल्लाह पाक से उसकी दोस्ती फ्रेंडशिप हो जाती और ये क्या कम है नाजरीन का आप देखें ना ये जो इस उम्मत को रहमत आलम वसल्लम के सदक़े में ये जो शत हासिल है किसी उम्मत को और पूरी दुनिया के आप मजाहब का अगर आप मुताल कर जाइए अलहमदिल्ला ये इम्तियाज़ हमें हासिल है हम मुसलमानों को हमारे यहाँ न सिर्फ ये कि दुआओं का कॉन्सेप्ट है दुआ के अल्फाज भी सिखाए गए हैं दुआ के साथ साथ औरत वज़ायफ़ वज़ाइफ अल्लाह अकबर ज़िक्र असकार मिसाल के तौर पर आजकल देखें आप लोग कम्प्लेंट कर रहे होते हैं कि जी हज का पैकेज बहुत महंगा है मैं कहा करता हूँ कि हज का पैकेज महंगा है ना नमाज तो फ्री है ना आप नमाज़ पढ़ें अगर आपने हज फर्ज अदा कर लिया है अल्लाह पाक तोफ़ी दे बार बार अल्लाह हम सबको ले जाए लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसी इबादात रखी है उसमें कोई आपका खर्च नहीं फ्री में नमाज है पांच वक्त की खूब पढ़ें खूब शानदार बना के पढ़ें हमारे साथ जी जी। जी कर रहा हूँ फरमाइए अच्छा बात एक, एक सवाल है आपसे काफी दिनों से जब हम पढ़ते है नमाज है ये कुछ भी तो मेरी जबान इतनी सुख जाती है की अल्फाज सही नहीं हो पाते है तो जी जी किसी से कह रहे हैं कि कुछ बताएं कुछ क्या करें जो हम सही तरह से नमाजें अदा कर सकें ठीक है ठीक है मैं अर्ज़ करता हूँ मेरी बहन मैं अर्ज़ करता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया कोई और सवाल है जी बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया आपका अल्लाह करीम आपको जजाखेरा ख़ैरता फरमाए मुफ्ती साहब ये मेरी बहन ने पूछा कि जब जब नमाज में पढ़ती हूँ तो तिलावत करते वक्त ज़बान खुश्क हो जाती है यानि अल्फाज अच्छी तरह के लिए अदा नहीं हो पाते हैं तलावत में तो उसके लिए क्या करें कोई ऐसा वजीफ़ा कोई ऐसा अमल जिससे उनकी ये तकलीफ़ दूर हो जाए बिसम पहली बात तो ये है कि इसकी वजह से इनका अजर पड़ जाता है जैसा कि अदीस में आता है जो आदमी क़ुरान पढ़ता है और अटक अटक कर पढ़ता है ज़ुबान की लुकनत की वजह से या ज़ुबान के खुश कोने की ये सूरत जैसे बयान कर रही हैं या बीमारी की वजह से यानी किसी भी तरह जो मशक्क़त होती है तो मशक्क़त को जब जो है ना वो बर्दाश्त करता है तो उसकी वजह से अजर उसका बढ़ जाता है बेश एक तो ये दूसरी बात ये है कि नमाज और आमाल इनके हो जाते हैं क्योंकि ये कादिर नहीं हैं यानी कर नहीं पाती तो वो हो जाते हैं तीसरी ये है कि अब जो है ना वो वजीफ़ा कोई इसके लिए ये मुख्तलिफ वज़ाइफ देखें वज़ाइफ़ की मसाल मसाला ने ये फरमाई है जैसे विटामिन होते हैं मुख्तलिफ फ़्रूट्स के अंदर सेहत के हिसाब से जैसे जो है ना वो किसी को सजेस्ट किया जाता है आप फलाँ जो है ना वो फ़्रूट ले लें फलाम फ्रूट ले लें फ्लां तो अब जितने भी लोग और जितने भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट सजेस्ट करते हैं वो सारी ठीक होते हैं तो इसी तरह हम जो है ना वो रूहानियत के बारे में ये शरीयत के बारे में जिस हद तक समझते हैं अपनी समझ के मुताबिक उसी वक्त बता देते हैं और ये अल्लाह की तरफ से होता है ये इल्हामी होता है कि जब एक आदमी तलब के साथ माशाल्लाह कितनी तलब के साथ एक तो उनको ये फिक्र है कि मेरा अमल कैसे हो जाए और दूसरा यह कि अमल बेहतर कैसे हो जाए मैंने कहा कि अमल सही भी हो जाता है और अजर का ताल्लुक है वो अजर डबल हो जाता है जहाँ तक ताल्लुक है इसके वजीफ़ा का तो वजीफ़े का मेरे जहन में ये आ रहा है कि हर नमाज के बाद ताकदर में सात मरतबा हो या नौ मरतबा हो या ग्यारह मरतबा हो या कवी यूँ या कवी यूँ अगर पढ़ें तो इसका ये होगा कि कवि का मतलब है अल्लाह कुवत देने वाले तो अल्लाह ताला ज़रूर बे ज़रूर इन कोवत अता फ़रमाएंगे इनकी कमज़ोरी को जब वो ख़त्म फरमाएँगे इन श्ला इसके अंदर बेहद बहुत शुक्रिया मत साहब मेरी बहन आपने सुना एक तो मुफ्ती साहब ने ये फरमाया कि जितनी ज़्यादा मशक्क़त होगी किसी नेकी के करने के हवाले से उतनी ज़्यादा अजर बढ़ता चला जाएगा आप अपनी कोशिश जारी रखें आप कोशिश करें कि साफ़ सुथरे अंदाज़ में तरतील के साथ पढ़ें असल में एक और भी मसला है हमारे यहाँ कुरान मजीद की जब हम तिलावत करते हैं तो अल्लाह आलम क्या बात है। यही हाल नमाज़ का भी है यही हाल अगर रोज़े में अगर ऐसा कुछ होता तो रोज़े में भी यही हालत होती है रोज़े में चूँकि हमारे बस में नहीं है कि वक्त को हम शॉर्ट कर दें या अमल को जल्दी जल्दी कर लें आप हज पे जाएँ उम्र पे जाएँ लोग तवाफ़ कर रहे होते हैं सड़ कर इस कदर जल्दी में उजलतबाज़ी में उनका दिल चाहता है कि बस जल्दी से जान छुट जाए तवाफ़ से जान छूटे सही से जान छूटे फिर जाके अलबैग का खाना बड़ा मज़ेदार होता है और रेस्टोरेंट्स के कहाँ उस चक्कर में इला माशाल्लाह अच्छे लोग भी हैं लेकिन मैंने जो कई बार अलहमदिल्ला हाजरी वही है जो मैंने महसूस किया है कि भाई ये इबादत हैं इबादत के अंदर रश खिलाफ अदब अच्छा। अच्छा। है आप सजदा जल्दी जल्दी कर रहे हैं रुकू जल्दी जैसे नमाजों में हम मस्जिदों में आप जाएँ क्या हाल होता है इला माशा कि दो मिनट के अंदर चार रकत नमाज दो मिनट में चार रकत नमाज वल्लम वो कैसे सूरतल्फ़ात पढ़ते हैं कैसे सूरत की अदायगी होती है कैसे तस्बीहात बढ़ कहने का मकसद ये कि इबादत में रिलैक्स नहायत ही इतमीान के साथ बेशक इबादत की नवाफिल इबादत की मकदार कम कर दें मसल मिसाल के तौर पर अगर दो रकत आप नफल पढ़ना चाहते हैं और आपके पास पाँच मिनट है तो आप बजाय चार रकत नफल पढ़ने की दो पढ़ें इतमीन से पढ़ थोड़ा सा लम्बा सजदा लम्बा रुकू लम्बा क़्याम लंबा कौमा लंबा जलसा तहियात समझ के शरीफ जरा समझ लेकिन चूंकि हम यूज़ टू हैं जल्दी जल्दी पढ़ेंदिल्वसमल् अकबर ये खिलाफी अदब है तो मेरी बहन आपको भी आपसे भी गुजारिश यही है कि जब नमाज़ पढ़ें कोशिश करें इत्मीनान के साथ जो आपके इस इख्तियार में है इख्तियारी तौर पर जो अल्फाज अदा करें आप बहुत ही इत्मीनान से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अल्हदल रबीआलमिनमीम मालिक यउम्दी ईया का नाअवाया का नस्मिनान के साथ जैसे लोग पूछ रहे होते हैं ना कभी कभी वज़ाइफ का वक्त मैं कहता हूँ वज़ाइफ का सबसे बेहतर वो वक्त है जो वक्त आपके लिए रिलैक्स का इतमिन का वक्त अच्छा दुआ के हवाले से मैंने मुफ्ती साहब ने भी फरमाया कव्य एक दुआ और हैज़रत मूसा आलतम की दुआ सूरत के अंदर वो दुआ है रब्बरहली सदरी ओया सिरली अमरी वाहलुअ़ दतम मिलसानी यफ़ो उवली ये दूसरी रुकूम है ज़ुबान की लुकनत की दुआ है ज़बान की सफ़ाई के लिए आप इसको भी हर नमाज के बाद ग्यारह मरतबा पढ़ लिया करें बहुत प्यारी दुआ है और सदरी वसरली अमरी वहल दतम मिलसानी यफ़ उवली नाज्रीन चूँकि यह प्रोगामी दुआ का है मुझे दुआ के हवाले से याद आया कि रामत आलम सल्ह वसम अपनी उम्म पर इतने शफीक इतने शफीक थे कि एक मौके पे एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नबी को अल्लाह पाक ने एक ऐसी दुआ का इख्तियार दिया है कि वो दुआ यकीनन मकबूल होगी होती है अल्लाह पाक ने हर नबी को इख्तियार दिया तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैंने उस दुआ को संभाल के रखा है क़्यामत के दिन के लिए और वो दुआ मैं अपनी उम्मत के लिए शफात की दुआ अल्लाह के रसूल सल वसम के साहबज़ा हज़र इब्राहिम का जब इंतकाल हुआ तो रहमत आलम सल्लम्मगीन थी बहुत गमज़दा था उस मौके पर भी आशा रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह पाक ने आपको एक दुआ मुस्तज़ाब दुआ का इख्तियार दिया है कि आप मांगेंगे और यकीन कबूल होगी तो क्यों ना आप इस मौके पर दुआ मांग लें इब्राहीम के इब्राहीम रज़ी उन्होंने अपने साहबजादे के लिए कि अल्लाह इन्हें दोबारा ज़िंदगी अता फ़रमा दें अल्लाह दोबारा ज़िंदा फ़रमा दें नाजरीन इमेजिन करें कि इंसान को अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होती है जो लोग साहब औलाद हैं वो अंदाज़ा कर सकते हैं कि बसावत इंसान अपने आप को भी कुर्बान कर देता है वालदे अपने से ज़्यादा चाहते हैं कि मेरा मेरा बच्चा ज़्यादा कामयाब हो उसका करियर मुझसे ज़्यादा अच्छा हो जाए उसका मुस्कबल मुझसे ज़्यादा अच्छा हो जाए अपना सब कुछ कुर्बान करके भी वो चाहता है कि मेरे बच्चों का मुस्कबिल ब्राइट हो जाए फ्यूचर ब्राइट हो जाए कितनी शदीद महब्बत होती है औलाद की लेकिन आप कुर्बान जाएँ रहमत आलम सल्ला वम अपने साहबजादे के मुकाबले में उम्मत से ज़्यादा महब्बत रखते थे आपने फ़रमाया कि नहीं आयशा वो दुआ तो मैंने संभाल के रखा हुआ है और क़ियामत के दिन अपनी उम्मत की शफात के लिए वो दुआ करूँगा अल्लाह पाक से आप अंदाज़ा लगाएँ कि रहा आलम अलैहि वसल्लम कितनी महब्बत फरमाया करते थे अपनी उम्मत से उम्मत के हर हर फर्द से क्या उस महबत का उशरे आशीर भी हम वापस कर सकें आज तक सवा हिस्सा भी उस महब्बत को अगर हंड्रेड से डिवाइड करें आप तो क्या हमने सवा हिस्सा भी उशरे अशीर भी हमने रिटर्न वापस लौटाया है कि हमें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से उस महबत के मुकाबले में सवा हिस्सा भी है उसका हम अदा करते हैं नाते हम पढ़ लेंगे नाते सुना देंगे सोल्म के नाम पे नारों का अंबार हम लगा देंगे जलसे जुलूस में शरीक हो जाएंगे लेकिन हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़िंदा करने के लिए तैयार नहीं फजर में उठने के लिए तैयार नहीं है खवीन सर पर दुपट्टा लेने के लिए तैयार नहीं है हिजाब पर्दे के लिए तैयार नहीं है ना तो में रो लेंगी मदी मदीने वाली कोई नात आए हम रो लेंगे आंसू बहा लेंगे आँखें अशकबार हो जाएंगे लेकिन फरमा बरदारी के लिए एतहत के लिए रहमत आलम सल्ला व्म के फरम फरमदात परमल करने के लिए हम तैयार नहीं नात हमसे कोई सुन ले नात पढ़वा लें उसमें हम रो देंगे खूब नारे लगा देंगे लेकिन अमली ज़िंदगी में ज़ीरो हर यही वजह है कि जो सूरत हाल आज हमारी बनी हुई है पूरी दुनिया पूरी दुनिया में जो आज हमारी जो सूरत हाल बनी हुई है कसम पुरसी का जो आलम है अल्लाह अकबर हर तरफ बेबसी बेकसी बेसकूनी बेचैनी बदनज़मी बे, 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 बे इंतज़ामी आप देख लें पूरी दुनिया में इसको जो लोग अलहमदिल्लामल पैरा हैं उनकी ज़िंदगी आज भी जन्नत बनी हुई आप झाँक के देखें अल्लाह वालों की ज़िंदगी को देखें उनकी ज़िंदगी आज भी दुनिया में जन्नत वाली ज़िंदगी जो कि शर्त है पर हम शर्त है तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत का ये आलम था कि आप फरमा रहे हैं कि नहीं आयशा वो उस दुआ को जो अल्लाह पाक ने जो तमाम नबी अम्बे सलामाम को एक एक मस्तजाब दुआ दौ दी हुई है सब ने कर लिया है मैंने बाकी रखा है मैंने उस दुआ को संभाल के रखा हुआ है वो मैं क़्यामत के दिन अपने अपनी उम्मत की शफात के लिए करूँ एक और हदीस में फ़रमाया कि एक मौके पर रहमत आलम सल्ला वम बड़े खुशगवार मूड में थे आयशा रजी अल्लाह तन ने देखा तो मौका गनीमत समझा तो उन्होंने आशा रजी अल्ला तह ने किया अल्लाह के नबी सल्ला वम मेरे लिए अल्लाह पाक से कोई दुआ करते तो रहमत आलम ने आशा नेशा रजील्ला तह के लिए दुआ फरमाई कि मक्सर लहदमत वमा अख़रत वाँ असरत वमा आलनत माँत आलमिन कि आयशा के अगले पिछले अलानिया और सर्री तमाम गुनाहों को माफर और उन गुनाहों को भी जिसे तू ज़्यादा जानता कहते हैं कि आयशा रजील् तन ने जब अपने हक़ में रहमत आलम सल्लम की ये दुआ सुनी तो ख़ुशी के मारे लोट पोट होने लगे तो रहमत आलम सल्ला वसम ने फरमाया कि आयशा तुम बहुत खुश हो रही हो खुशी की तुम्हारी इंतहा नहीं है आशा रदी अल्लाह ने आरस की अल्लाह के नबी सल्ला वसल्लम मैं क्यों ना ख़ुश हूँ ख़ुशी से मैं क्यों ना लोट पोट हो जाऊँ आपने इतनी अज़ीम शान दुआ मेरे हक़ में की है कि मेरे अगले पिछले अलानिया और सर्री खुले छुपे सारे गुनाहों की आपने माफ़ी की अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे लिए आपने जो दुआ कर दी तो इस दुआ पर मैं क्यों ना खुश हो जाऊँ इसके बाद नाजरीन रहमत आलम सल्ह वसलम जिन पर हम सब के माँ बाप क़ुरबान आपने जो जवाब अर्शाद फरमाया जो बात आपने कही है अल्लाह करे हमें याद रहे आपने फ़रमाया कि आयशा तुम्हें पता है फरमाया कि अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम खा के फरमाया कि आयशा अल्लाह की कसम जो दुआ मैंने अभी तुम्हारे लिए की है जो दुआ मैंने अभी तुम्हें दी है जो दुआ तुम्हारे लिए अभी मैंने की मैं हर नमाज के बाद अपनी हर उम्मत के लिए यही दुआ किया करता हूँ अल्लाह हर उम्मत के लिए यह दुआ मैं करता हूँ जो दुआ अभी मैंने तुम्हारे लिए की है कि अल्लाह मेरी उम्मत के हर फर्द के अगले पिछले सगीरा कबीरा छुपे खुले सारे गुनाहों को माफ़ अंदाज़ा लगाएँ क्या मैार था महब और आज उस नबी उस अजीम शान महसिन के तौर तरीक़े आज हमें पसंद नहीं हैं उनकी सुन्नत आज हमें पसंद नहीं है उनके तर्ज की शादी उनके तर्ज का निकाह, उनके तर्ज की लाइफ स्टाइल हमें पसंद उनकी तर्ज का उनका चेहरा आज हमें पसंद नहीं उनका नूरानी चेहरा उनके नूरानी तरीक़े उनकी नूरानी सुन्नत उनका नूरानी बिज़नेस आज हमें पसंद नहीं आज हमने उन चीज़ों को अपनाया हुआ है जिसमें इंटरटेनमेंट हो जो मनाने की कुछ चीज़ें हों हमने ले लिया है जिस तरीके यहाँ मदर डे और फ़ादर डे मनाया मनाया जाता है इसी तरीके से आज हमने इस्लाम के अंदर से भी वो चीज़ें हम तलाश करते रहते हैं जिसमें ज़रा सा जलसे जुलूस वाली शक्ल इंटरटेनमेंट हो ज़रा पार्टी शार्टी हो ज़रा सा गैदरिंग हो जाए ज़रा सा खाना पीना हो जाए यकीन आप ख़ूब खाए पिएएँ ख़ूब इंजॉय करें लेकिन उसका एक दायरा मतयन तो बरअल मैं इस दुआ के हवाले से अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह करे कि हमें भी दुआ मांगने की आदत पड़ जाए दुआ मांगने माँगने वाले हों ख़ती हकी कि अल्लाह मेरे गुनाहों को ख़ताओं को माफ़ फरमा व जहली अल्लाह मेरी नादानियों को माफ़ फरमा व इसराफ़ी आज देखिए कितनी ज़्यादी होती है हर काम में कोई भी हम काम कर रहे होते हैं चूँकि सही इल्म हमें नहीं होता है हम अनजाने में भी हमसे ज़्यादी हो जाती है कल हमारी ज़्यादती को माफर कोई भी हम काम कर रहे हों कहीं काम कर रहे हों कहीं हम इम्प्लॉई हों कहीं एम्प्लॉयर हों घर में हों बाहर हों दुकान पर हों ऑफिस में हों कोई भी काम कर रहे हों चूँकि उसका इल्म नहीं होता है कि उसकी बाउंड्री क्या है दायरा क्या है और मसाइल का हमें इल्म नहीं होता है तो हमसे ज़्यादीती हो जाती है। तो फरमाए कि अल्लाह जिस किस्म की भी हमसे ज़्यादाती हो हमारी ज़्यादा को भी माफ़ कर हमांत आलम बी मन्नी अल्लाह उन तमाम बातों को जो आप हमसे ज़्यादा जानते यानी इतनी जाम दुआ अल्लाह करे कि हमें ये दुआ याद हो कि हर नमाज के बाद इस दुआ को हम पढ़ने वाले हों नमाज़ की देखें अभी मैंने अर्ज़ किया था कि शवाल का महीना शुरू हो गया है और बल्कि आधा से ज़्यादा अयाम गुज़र चुके हैं और अभी अभी रमज़ान गुज़रा है तो हमें अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना चाहिए ना कि क्या कोई तब्दीली आई है क्या कोई अच्छी तब्दीली कोई तगैर आमाल के अंदर कोई इजाफा हुआ नमाज की पाबंदी हो रही है अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबत में इजाफा हुआ है कि आपने तौर तरीक़े के अंदर लाइफ स्टाइल के अंदर बच्चों के हवाले से हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं मस्जिदों में जा रहे हैं मस्जिद का सिलेबस क्या है मस्जिद का पढ़ने पढ़ाने का निज़ाम क्या है इस हवाले से हमें बड़ी फ़िक्र की ज़रूरत है उस उस दिन कालम बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि देखें ईमान वाला होना यकीनन बड़े फख्र की बात है बहुत बड़ी फख्र की बात लेकिन ईमान को बचा कर ले जाना ईमान के साथ दुनिया से जाना ये बड़ी फिक्र की बात है अल्लाह पाक हमें इसकी फिक्र फ़िक्रताफ्र मुफ्ती साहब बड़ा प्यारा जुमला मुझे लगा जी 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 किसी ने कहा है कि ईमान वाला होना ईमान का मिल जाना ये बड़े फख्र की बात है कि अलहमदिल्लाम साहिब ईमान है लेकिन इस ईमान के साथ दुनिया से रुसत होना इस ईमान को बचा कर ले जाने में कामयाब हो जाना ये बड़े फिक्र की बात है बिल्कुल अच्छा देखिए कैसे इब्तदाद का दौर चल रहा है तरह तरह के फितने पूरी दुनिया में इस वक्त जो है नमदार हो रहे हैं हर रोज़ नया फितना तो ऐसे मौके पर हमें अल्लाह पाक से दुआ और फ़िक्रमंद भी होना चाहिए जी दुआ के बारे में बात चल रही है तो ये दुआ जो आज पढ़ी गई है जी जी मांगी गई है अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल और मंजूर आमीन और इसके साथ रिलेटेड जो आपने टॉपिक शुरू किया है रहमत आलम अलैहि वसल्लम का आप सल्लल्लाहु वसल्लम की रहमत शफकत और मोहब्बत बिल्कुल जिस तरह अल्लाह ताला की जात ताबुलम है तो नबी करीम अलैहि वसल्लम की ज़ात रहमत लालमीन है गोया के अल्लाह ताला सब कुछ अता करने वाला है और नबी करीम अलैहि वसल्लम ने हमें रहनुमाई फरमाई है कि कैसे हम अल्लाह की रहमत को लेने वाले बन बचें तो ये दुआ भी उसी तरफ रहनुमाई करती है और बतलाती है अगर हम गौर करें तो जितनी हमारी परेशानियाँ हैं और हमारे सेहत के हवाले से ख़ानदान के हवाले से फैमिली लाइफ और बिजनेस के हवाले से और जो है वो ज़िंदगी के हवाले से और जो है वो सटिसफेक्शन और जो है पीसफुल ज़िंदगी के हवाले से या जो आज माशरे के अंदर एक टेंशन डिप्रेशन और एनजाइटी फैली हुई है देखे, देखे। इस सब की बुनियादी वजह यही है कि हमारे अंदर गुनाह पाए, गुना पाए जाते हैं तो अब अगर हम गुनाहों से अपने आप को बचाएं, जैसा कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर तालीम इरशाद फरमाई और अगर हो जाएं तो फिर अल्लाह ताला से माफी मांगे तो ये सारे मसाइल हमारे हल हो सकते हैं जितने भी मसाइल हैं इतने मसाइल हैं कि उनको शुमार नहीं किया जा सकता वो सारे मसाइल हल हो सकते हैं जैसा कि वो बड़ा दिलचस्प वाक्य है शेयर करना चाहिए इस वक्त अपने नाजरन वसामिन के साथ कि हज़रत हसन बसरी रमतल अपनी मजलिस में बैठे थे तो एक शख्स आया और आकर कहने लगा कि हज़रत दुआ फरमाएं बारिश नहीं हो रही तो आपने फरमाया कि इस इस्तार करो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और दूसरा शख्स आया तो कहा कि हज़रत जो है ना वो औलाद नहीं है बे औलाद हूँ तो जो है ना वो आपने फरमाया इस्तफार करो तीसरा तो कहता है कि जो फकर है ना फ़कर है तंगदस्ती है रिसेशन है तो मुझे कुछ बताएं अमल बताएं तो आपने फरमाया कि इस्तफ़ार करो जो शागिर थे साथ मुतकिन उन्होंने कहा कि हजरत आप तो हर काम का जो है ना वो वजीफा और अमल बल्कि उनके यहाँ ये होता था कि अमल बताया जाता था तो हर परेशानी के लिए जो अमल इस्तफ़ार का ही बता रहे हैं तो क्या वजह है तो फरमाया कि ये कुरान का फैसला है हर परेशानी का हाल ही इस्तफार है यूं ही उन्होंने फरमाया हर परेशानी का हाल फकुल तुस्त फिर हुफ़ारा के अपने रब से बख्शिश मांगो इस्तेफार करो गुनाओं की माफ़ी मांगो युर्स समाले कुमरारा वो बारिशें देगा वित्व बनि न और वो माल तुम अता करेगा औलाद और बेटे अता करेगा इन सब का बेटों का वजीफा औलाद का और बिलखसूस बेटे आ, के हसूल का और अल्लाह तालद नरीना भी 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 उन सब का जवाब वजीफ़ा यही इसम नाज़रीन आज की तमाम बातों का ख़ुलासा ये हुआ अल्ला करीम वो दुआ भी हम पढ़ने वाले बने अल्लाह में तोफ़ी कता फ़रमाया कि इसतफ़ार की कसरत अल्लाह पाक से अपनी खताओं, अपने गुनाहों नाफरमानियों की कसरत से मुआफ़िया भी तलब करता रहे नमाज की पाबंदी हो और हर नमाज के बाद लाजिम कर लें कि हर नमाज के बाद मिनिमम दस मरतों इसफ़ार हमने करना है उस तखिरल रबी मिलकुल नज़म भी महतो ले और जब कभी किसी गुनाह का सुदूर हो जाए फ़ौन इस्तफार करें और वक्त मिल जाए तो दो मिनट एक मिनट के लिए अल्लाह पाक की तरफ मुतवजह हो तौबा कर लें कि अल्लाह मेरी तोबा या अल्लाह मेरी तोबा नमाज की पाबंदी हो और अपने अखलाक को ख़ुशवार बनाएँ शानदार बनाएँ नमाज और अखलाक और साथ में इस्तार करते रहें अगर आपने आज की बात समझ ली तो इनशाला हम समझेंगे कि आज का हमारा प्रोग्राम कामयाब हुआ अल्लाह करीम हम सबको अमल की तोफ़ी ख़तः फरमाए फिर इनशाला अगले प्रोग्राम में एक नई दुआ के साथ अलकुम वरहि वबरक